सुप्रभात स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए मनोरंजक अंक में आप सभी का स्वागत है दर्शकों एक बार फिर हाजिर है हम आज की इस सुहानी सुबह का खूबसूरत आगाज गीत संगीत और कुछ रोचक जानकारियों से करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी जगह के बारे में अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो वहां के लोगों के बारे में उनके रहन सहन के बारे में खान पान के बारे में तो जानना ज़रूरी है ही साथ ही साथ उनके गीत संगीत के बारे में जानना भी ज़रूरी है और अगर हम बात करें हमारी लोक संस्कृति की लोक सभ्यता की तो इसमें तो लोक गीतों का महत्व और भी बढ़ जाता है और इन लोक गीतों को सहेजने का और आगे प्रसारित करने का जो कार्य है वो बहुत ही बखूबी से निभाया जाता है हमारे लोक कलाकारों द्वारा तो आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक लोक कलाकार मौजूद हैं जो जिन्होंने ना केवल अपने शौक़ के लिए अपनी इच्छा से लोकगीतों को गाया है प्रसारित किया है संजो के रखा है हमारी लोक संस्कृति को मगर आज वो रिटायरमेंट के बाद भी खुद से ये चाहते हैं कि जो ये लोक संस्कृति है ये यूँ ही आगे बढ़ती रहे और ये जो लोकगीत है वो आगे भी गाते रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी सिखाते रहे तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं स्टूडियो में देवीदत्त शर्मा जी का देवीदत्त जी आज आप हमारे स्टूडियोज में आए आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैडम या देवी सर्वभूतेशु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त्ययी नमस्त्ययी नम नम सतत आराधनीय सुरों की देवी माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन तत्पश्चात दूरदर्शन हिमाचल दूरदर्शन हिमाचल का संपूर्ण परिवार नमस्ते हिमाचल का बहुत बहुत आभार आज मुझे यहाँ नमस्ते हिमाचल के इस मंच पर आमंत्रित किया गया है मैं बहुत आभारी, आभारी देवभूमि तो <coughs> देव भी कहा जाता है हम देवी देवताओं में बहुत मानते हैं और सुबह का देखिए समय है तो सुबह की कहा जाता है ना की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से की जाए हाँ मैं एक शिव भजन से इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहूँगा और वो शिव भजन भी पारंपरिक जी बिल्कुल हमारे शिवरात्रि जब मनाई जाती है तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव के आवाहन के लिए जो शिव भजन गाया जाता है मैं वो गा के सुनाऊंगा और उसके पीछे थोड़ी सी पृष्ठभूमि यह भी रहेगी हमारे और एक वृक्ष होता है जिसे देव वृक्ष कहा जाता है तो उसको देव वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस देव वृक्ष की पत्तियां देव पूजा में प्रयोग होती है जी। तो उस देव वृक्ष की पत्तियों के गुच्छे बनाए जाते हैं और उनको सुतली में बांध कर एक शिव का रूप दिया जाता है और उसके बाद शिव का पूजन किया जाता है तो ये जो भजन है ये एकदम से पारंपरिक और बुजुर्गों द्वारा बनाया गया पहाड़ी भाषा में है जी। सैया जा पारली दूर सैया जा पारली दूर सैया जा पारली दूर रेया जा पारली दूर के मंडल पू रे के मंडल पूरा शे आ जा पारली टी रे शे आ जा पारली टी मतलब शिवजी को साई के रूप में यहाँ नाम दिया गया है कि शिवजी हमारे शिवरात्रि के लिए वो पार्ली तीर पर मतलब पार्ली टिब्बे पर आ गए हैं सैं के छ गिर रे सै के गिरा तो ये इस तरह का ये शिवभरन जो हम क्या बात है शिवरात्रि के मौके पर गाते हैं जी आपने देखिए ना केवल ये भजन ही सुनाकर हमारी सुबह का अच्छा बना दिया है लेकिन साथ में आपने जो इसकी पृष्ठभूमि और जो इसके पीछे का इतिहास है वो भी हमारे दर्शकों को समझा दिया है अब तो इस भजन को वो हमेशा याद रखेंगे और इसका महत्व भी याद रखेंगे तो देवी जी जब जो दर्शक अभी तक आपको नहीं पहचान पाए होंगे अब आपकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल आपको पहचान गए होंगे तो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देवीदत्त जी बहुत समय से लोग गायकी कर रहे हैं इसके अलावा ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का उससे रिटायर्ड है और साथ ही बहुत से और भी अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन देवीदत्त जी हम शुरुआत करेंगे एकदम शुरू से ये गाने का जो शौक़ आपको हुआ है जो आप गाते हैं ये कहाँ से शुरुआत हुई कब से आपने गाना शुरू किया गाने का शौक और गाने की शुरुआत ये मेरे गांव से ही हुई गांव में ही मुझे ऐसा मंच मिला हमारा एक ऐतिहासिक गांव है तो वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग शुरू से लेकर कर्याला करते आ रहे हैं जी। तो जब हम अपने बुज़ुर्गों को भिन्न भिन्न रूपों में करियाला एक लोक नाट्य है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों पर प्रहार किया जाता है तो हमारा भी शौक पैदा हुआ कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें तो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया और ये शौक लोकगीतों की तरफ आया नृत्य की तरफ आया और आज इस लोक संगीत और इस कला के माध्यम से मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ परम आनंद का की अनुभूति में समझ रहा हूँ जी यानी कि शुरुआत एकदम बचपन से ही हो गई थी जो आप कार्यालय जो आपने कहा उसमें जाते थे और वहीं पे आपने देख कर की मुझे भी यही करना, करना है।, है तो जो एक ये तो शुरुआत हुई कि शौक़ बचपन से जा गया था लेकिन इस शौक़ को एक रूप आपने कब दिया कब से आपकी शुरुआत हुई प्रोफेशनली अगर हम कहें कि गाने की जो लोगों ने भी आपको सुनना शुरू किया वो कब से आपकी शुरुआत हुई थी हमारे गांव में एक कल्चरल ट्रुप बना जी मेरे बड़े भाई है बंसी भारद्वाज जी वो आकाशवाणी शिमला से बीहाई आर्टिस्ट जी तो उन्होंने एक कल्चरल ग्रुप फ्रेम किया दस बारह पंद्रह लोगों का तो फिर हमने सब ने सामूहिक रूप से पहले गांव में रिहर्सल करनी शुरू की उसके बाद फिर और जो हमारे मेले होते हैं जैसे हमारे हिमाचल में सुंदरनगर में नलवाड़ी होती है इस तरह के हमने मेलों में अपने प्रोग्राम देने शुरू किए और फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया जी। तो और ये शौक धीरे धीरे इस तरह से बढ़ा फिर हमें लगा कि ये जो मंच है स्टेज तक ही सीमित नहीं फिर शौक पैदा हुआ रेडियो में गाना था किसी तरह से और रेडियो तक किसी तरह से पहुंच जाए तो हम और ज्यादा प्रसिद्ध होते मतलब सबकी एक ये रहता अभी एक्सपोजर मिले और एक्सपोजर के बाद अपनी मशहूरी हो हमारी तो बस फिर रेडियो में जाने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे रेडियो और दूरदर्शन बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म है किसी भी कलाकार के लिए अगर आपको अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना है तो आपको रेडियो और दूरदर्शन की तरफ जाना जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप बिल्कुल सदे हुए हैं तो मैंने इसके लिए वहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बंसी भाई मैंने उनको कहा मुझे रेडियो में अप्रूव होना है तो उसके लिए मैंने कहा मुझे क्या करना है जी। तो उन्होंने मुझे मटेरियल दिया कि वहाँ किस तरह से पूछते हैं क्या पूछते हैं मैंने सबसे पहले ऑडिशन के लिए अप्लाई किया पहली बार मैं पास नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर मैंने फिर प्रयत्न किया

तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सफर रहा एकदम से रेडियो तक पहुंचने जाने का, 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 जी, पहुंचने का मंच जी, के बाद जी और आपने बताया था कि रेडियो में आपकी जो शुरुआत हुई थी वो युववाणी कार्यक्रम एक होता था उसमें कोई गीत आपने गाया था उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ मैडम वो मैं अप्रूव हुआ उन्नीस सौ छियानवे में जी लेकिन युव वाणी के जो कार्यक्रम थे उस समय रेडियो से लोग आते थे और वो गांव-गांव में जो हमारे महिला मंडल है या युवक मंडल है तो युवाणी कार्यक्रम को वो गांव से ही रिकॉर्ड करके लाते थे जी। तो लकीली हमारे ग्राम पंचायत प्रधान को एक पत्र आया रेडियो से कि हम आपके गांव के युवाओं का एक युवाणी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जी। तो आप जो है अमुक तिथि को वहां पर अपने युवाओं को एकत्रित एक करें तो हम जुड़े तो थे ही पहले कार्यालय से भी जुड़े थे और गीत संगीत का शौक भी था तो हम सभी युवा जो है वहाँ इकट्ठे okay, हो गए पंचायत भवन में यहाँ से भारद्वाज शर्मा जी आए रेडियो से तो उन्होंने जब कार्यक्रम शुरू किया तो मेरी बारी भी आई गाने की कभी आप भी गाइए तो वो गीत में जो मेरा रेडियो से पहली बार प्रसारित हुआ उस वक्त मैं रेडियो से अप्रूव नहीं।, नहीं था जी जी। हाँ। दिताजी पेज लरा पिरणो ए गोपेज लारा पिरिणो ए गोपिए मोडो देरा चिटागर दुर्प रेणु गोपिए मोडो देरा चिटागर দূরপ রেণু গোপিয়ে মোড়ো দোল রয়ে রসতে খড়ে চিশকে চালে গোপিয়ে পির রয়ে রসতে খড়ে চিশকে চাল গোপিয়ে পিরণকে করে পিঠি দা কিলা চিশোকে চাল গোপিয়ে পিরণকে तो ये था मेरा पहला गीत जो क्या बात है रेडियो से क्या बात है जी <coughs> वैसे भी कहा जाता है ना कि जो हमारी पहले होते हैं देखिए पहला स्कूल का दिन हो गया <coughs> पहली अवार्ड हो गया ये सारी चीजें हमेशा जहन में रह जाती है और आपको देखकर भी पता लग रहा है कि ये जो पहला गीत आपका रेडियो से प्रसारित हुआ है इससे आपकी बहुत सी यादें जुड़ी है और अभी तक आपने गीत याद भी रखा है और उसे बखूबी निभाया भी है जी तो ये तो हो गई आपकी रेडियो में आने की जो शुरुआत आपकी रेडियो से हो गई अगर हम बात करें आपने अपने गांव के बारे में बहुत बताया है दिवदत्त जी की वहाँ पर कर्याला होता है और वहीं से आपको रेडियो में गाने का मौका भी मिला वैसे भी कहा जाता है ना कि जो हिमाचल प्रदेश है हमारा ये खूबसूरत वादियों का प्रदेश है और बहुत खूबसूरत गांव और ज़िले इसमें है तो आपसे हम आपके गाँव के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा आपका गाँव है एग्जैक्टली exactly, बहुत ही सुंदर गांव मैं तहसील ठ्यूक से लगभग तीस किलोमीटर दूर है गांव एक बलग तो मैं वहां का रहने वाला हूं। जी। और मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से लेक्चरर इकोनॉमिक्स के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। जी। तो अब मैं अपने गांव के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा जी वो गांव स्वर्ग है और ऐतिहासिक और हमारी पौराणिक दृष्टि से उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सबसे पहले बलग का जो नामकरण है वो राजा बली के नाम से हुआ है जी। ऐसा माना जाता है राजा बली बलग में क्यों आए तो किवंदती ऐसी है कि राजा बलि ने इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ नर्मदा तट नदी के तट पर पूरे कर दिए थे अब जब उनका सौवा महायज्ञ पूर्ण हो जाता तब वो इंद्रपद प्राप्त करने के हकदार थे जी। तो वो सौवा जो यज्ञ था वो किसी अज्ञात स्थान पर करना चाहते थे क्योंकि अंतिम यज्ञ में कोई व्यवधान ना आए जी, जी तो उस अज्ञातवास उस अज्ञात स्थान को उन्होंने बलग के रूप में चयनित किया और सौवा जो यज्ञ हुआ वो बलग में हुआ इस तरह का पुराणों में लेख मिलता है जी। तो ये तो हो गई बलग का नामकरण इसके पश्चात बलग के पीछे जो दूसरा शास्त्रीय दृष्टि से जो परिपेक्ष्य जुड़ा है वो ये कि बलब को पांडव नगरी के नाम से जाना जाता है और उसके अवशेष भी आज यहाँ पर मंदिरों के रूप में विद्यमान हैं इसके पीछे भी ऐसी किबंदती है कि पांडवों को जब वनवास हुआ वनवास पूर्ण होने के बाद एक वर्ष का जो अज्ञातवास था उस अज्ञातवास में कुछ समय के लिए पांडव बलग में रहे पांडव शैली के निर्मित मंदिर आज भी वहां पर विद्यमान हैं और ऐसा माना जाता है कि जब तक वो वहाँ रहे पांचों पांडवों ने एक एक मंदिर का निर्माण किया पांच मंदिरों का निर्माण किया और जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने अपने मंदिरों को गिराना ठीक समझाता कि कोई अवशेष ना रह जाए भी पांडव यहाँ भी थे तो जो नकुल थे उन्होंने अपने मंदिर का आलिंगन किया दोनों हाथों से कि मेरा मंदिर मत गिराओ मेरी पहचान मेरी यादगार यहाँ रखो तो आज भी वो जो मंदिर है मंदिर परिसर के बीच में पांडव शैली का है और एग्जैक्टली exactly उस शैली का जिस शैली के मंदिर जगन्नाथपुरी में भी है जी। और नकुल की गुमटी इस नामकरण से वो आज भी नकुल महाराज का मंदिर वहाँ विद्यमान है जी। बाकी वहाँ पांडव शैली के मंदिर है सुंदर गांव है और चारों तरफ पहाड़ियां जो यहाँ पर दुर्लभ है पहाड़ों में बीच में कम से कम दो किलोमीटर का जो एरिया है वो प्लेन है जी ये विशेषता है बहुत ही खूबसूरती से आपने हाँ। बयान किया है कि आपका जो गांव है वो कितना खूबसूरत है अब जी अगर हम आगे बढ़े कार्यक्रम में और आपसे हम जानना चाहेंगे आपने मुंबई तक का सफर किया है और उस समय में किया है जब उसे बम्बई नगरी के नाम से जाना जाता था तो वो आप किस वजह से मुंबई गए और क्या वहां पर आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे वो मेरे जीवन का चिर स्मरणीय क्षण रहेगा जी हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति लोकगीत लोककलाओं को प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जी कि भारत के जो चार महानगर है इन चारों महानगरों में हर वर्ष एक उत्सव मनाया जाएगा और उत्सव का नाम रखा जाएगा भारत उत्सव अब वो कैसे मनाया जाएगा भारत की जितने भी राज्य है सभी राज्य से कलाकारों को बुलाया जाएगा ताकि एक राज्य के लोगों को या कलाकारों को दूसरे राज्य के कलाकारों का पता लगे कि गुजरात में गरबा होता है तो हिमाचल में क्या पता गरबा सुना तो है हमने लेकिन गरबा देखा नहीं जी। ठीक है जी? जी पंजाब का भंगड़ा आसाम वालों को क्या पता है बिल्कुल आज तो पता है क्योंकि आज तो सोशल मीडिया बहुत है दूरदर्शन है लेकिन ये बात आज से छत्तीस साल पहले की है एटी नाइन में तो पहला जो कार्यक्रम हुआ वो भारत उत्सव वो दिल्ली के अंदर 1988 में हुआ 1989 में बॉम्बे में जो है भारत उत्सव का आयोजन होना था और उस आयोजन में स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय जी जो आज इस दुनिया में नहीं है उन्होंने उसके समापन समारोह के लिए आना, आना था। जी। समापन समारोह के लिए जो गीत तैयार किया गया था बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको उसके बोल बताऊंगा तो उसमें पूरे भारत की सुंदरता का वर्णन है भारत की नदियों का वर्णन है भारत के गीत संगीत का वर्णन है वाद्य यंत्रों का वर्णन है तो एक गीत जो है बनाया गया था और वो गीत समापन समारोह पर स्वर सम्राजी लता मंगेशकर द्वारा गाया जाना था क्या तो उनके साथ गीत गाने के लिए कोरस के लिए कलाकारों का चयन किया गया तो आई वॉज लकी एनफ दैट आई वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोरस ग्रुप क्या बात है सर जो लता मंगेशकर जी के साथ कोरस करना था जी जी. तो शिमला का जो ग्रुप था उसमें हम छह लोगों को चूज किया गया लेखराम पॉल जी बंसी भारद्वाज जी मैं तीन लड़कियां थी हमारे साथ शांति हिटा शारदा चौहान और कमला चौहान जी तो हमने कोरस दिया लता मंगेशकर जी के साथ जी तो आप खुद समझिए कि उस उन क्षणों को उन खूबसूरत लम्हों को मैं कैसे बुला सकता हूं? हम हम देख पा रहे हैं कि आपके जहन में वो यादें अभी भी एकदम हाँ, ताजा है और आप बहुत ही इस खूबसूरत जो आपकी याद है इसे संजो करके रखे हैं। शर्मा जी देखिए आपने इतने अच्छे से इसके बारे में हमें बता दिया अब ये गीत तो हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे हाँ पहली बात तो ये है कि आज से छत्तीस साल पहले ये जब गीत हमने कोर्स किया था तो हमारे को प्लेन पेपर पर लिख के दी गई थी इसकी लाइनें कि भी खाली आपको, इसको देख के आपने कोर्स करना है और कैमरे पर तो लता जी थे जी। तो वो कागज में वही भी छोड़ सकता था या जैसे औरों ने भी छोड़ा हो या ना छोड़ा हो जी लेकिन वो कागज मैंने संभाल कर रखा घर लाया और अपनी डायरी में वो गीत लिखा जी। और जब मुझे पता लगा कि मुझे नमस्ते हिमाचल में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना है तो मैंने ढूंढा वो गीत जी। और वो गीत मुझे मिल गया तो सबसे पहले तो मतलब सबसे आनंद की बात तो ये है कि अभी तक आपने संभाल के रखा हाँ सॉन्ग इज विद दी तो वो मैं आपको एक बार सुना दू <coughs> यमुना गोदावरी गङ्गा यमुना गोदारी भरदे कला की गागरी भरदे कला की गागरी यह पर्व उत्सव आरती यह पर्व उत्सव आरती जय देश भारत भारती गंगा यमुना गोदावरी क्या बात है तो जैसा आपने दे कहा देवीदत्त जी की इसके जो बोल है वो ही बयां कर देते हैं कि किस तरह से पूरे देश के कलाकारों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका तो दिया ही था साथ ही साथ अपनी संस्कृति को अपनी कला को दूर दूर तक पहुंचाने का मौका भी दिया गया था देवीदत्त जी अगर हम बात करें आपके जीवन की तो कहा जाता है कि हर एक के जीवन में ना एक आ... रोल मॉडल होना या मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है तो आपके जीवन में वो मोटिवेशन का क्योंकि देखिए आज आपको हमारे इस कार्यक्रम में देखेंगे तो बहुत से हमारे जो दर्शक है जो युवा वर्ग है वो आपको देखकर ज़रूर इंस्पायर होंगे कि जब आपने इतने शौक से अपनी संस्कृति को सहेज के रखा है तो हम भी ये कर सकते हैं तो आपके जीवन में वो कौन रहे हैं जो आपके लिए रोल मॉडल या मोटिवेशन का काम जिन्होंने आपके लिए किया है दरअसल हमारा गांव कलाकारों की भूमि भी है जी एस आर पांडे नारायण सिंह जी चौहान वो भी बिहाई ग्रेड आर्टिस्ट है ए आई आर शिमला से मतलब पाँच सात दस लोग जो है हमारे वहीं बलग में ही रेडियो से अप्रूव है दूरदर्शन से भी उनका कार्यक्रम आता है जी तो मेन जो मोटिवेशन मुझे रही वो नारायण सिंह जी चौहान वो मेरे आसपास ही रहते हैं वो गीत खुद लिखते भी हैं और गीतों को गाते भी और बखूबी बहुत अच्छी तरह से वो मेरे से भी पाँच छः साल बड़े हैं लेकिन आज भी वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हम तो अभी तक सर्विस में होने की वजह से हम ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं, नहीं कर पाते थे, थे। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और दूसरे प्रेरणा स्रोत मेरे भाई ही है जिनकी मैं बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे रेडियो के लिए मटेरियल दिया कि दिया। आप अगर रेडियो में आप अप्रूव होना चाहते हैं तो आप ये ये चीजें तैयार करें और इस तरह से आपको वहाँ गाना है स्वर आपको चेंज नहीं करना नहीं। जिस स्वर से आप गा रहे हैं आप उस स्वर को प्रिजर्व रखो तो इसके अलावा फिर इन्होंने ही मैं तो इनका बहुत धन्यवाद ही हूँ कि कल्चर जो ग्रुप फ्रेम किया ये इनके दिमाग की उपज थी और हमने पूरे हिंदुस्तान के लगभग 50 परसेंट जो स्टेट्स थी वो कला के बलबूते पर इस माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जी। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया अदरवाइज मैं आपको बात करूँ अभी हम इंटर स्टेट में 2006 में लास्ट में हम गए थे मिजोरम मिजोरम इज द लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया हमारी इंडिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है गुवाहाटी लाइन तो गुवाहाटी से भी 1200 किलोमीटर आगे है मिजोरम वहां ना कोई पर्यटन स्थल है वहाँ ना कोई तीर्थ स्थल है वरना फिर हमारी एक ये भी रहती है हिंदू धर्म में कि मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए तो वहाँ तीर्थ भी कोई नहीं है कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई कोई पर्यटन स्थल हो लेकिन इस कला ने इस मां सरस्वती के आशीर्वाद ने हमें वहाँ पहुँचा दिया और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू करवाया जी आपने इस एक ग्रुप के बारे में अभी बताया कि आपने ये ग्रुप बनाया है जिसके आप हिस्सा रहे हैं और इसकी वजह से पूरे भारत का भ्रमण करते हुए हमारी जो हिमाचल की संस्कृति है उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया तो इस ग्रुप के बारे में हम आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे इस ग्रुप का नाम महादेव लोक कला मंच बलक जी मैं जो आपको बता रहा हूँ हमारे बलग में मंदिर है महादेव का उसी के नाम पर जो है उस मंदिर के नाम पर देवता के नाम पर हमने इसका नाम रखा है रखा इसको कल्चर ग्रुप को फ्रेम किया फिर एक चीज़ ये भी रहती है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं रह पाते हमारे विचार नहीं मिलते या फिर हमारा कहीं भाई ईगो आ जाता है कि ये बड़ा कलाकार है अब जब प्रोग्राम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को एक दूसरे को डायरेक्शन तो ऐसा ईगो भी पैदा नहीं हुआ कि नहीं जी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये ग्रुप इतना कामयाब हुआ इतना मशहूर हुआ के भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के पास हमने इसको रजिस्टर करवाया नेहरू युवा केंद्रा के पास हमने इसको रजिस्टर करवाया ग्रुप को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के पास हमने रजिस्टर्ड करवाया तो हमारे को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता था जब भी कोई दूसरी स्टेट में या बाहर प्रोग्राम है तो सबसे पहले हमारे ग्रुप को चूज किया जाता था अनुशासित ग्रुप और कलाकारों से परिपूर्ण कलाकारी में परिपूर्ण होना तो ये एक गलत बात है लेकिन फिर भी एक आपसदारी में जो हम जितना कुछ हमारे पास था एक दूसरे से सीखते थे सिखाते थे तो इसलिए ग्रुप चलता रहता है वरना फिर ये ग्रुप एक्टिविटीज जो है ज़्यादा समय तक नहीं, नहीं चल पाती जी देवीदत्त जी आपने अपने ग्रुप के बारे में हमें इतना कुछ बताया है अब हम आपका ग्रुप का कोई एक गीत ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे जो आप मतलब जब बाहर जाते हैं जहाँ हमारे संस्कृति को आप दिखाते हैं तो कोई एक गीत जो आप हमेशा गाते हैं जैसे बताते हैं, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे ठीक है हाँ, हम हाँ, हाँ, जांगड़ो दे के ले भाई रे जो मैटोरे दे, दे के ले भाई रे जो मैटोरी दे ଭଲ ଜୁବି ଦଲି ଭାଇ ଭଜୟାଣି ଭୁଟନାଳ ଜୁବ ଦ ରିଲି ଭାଇରେ ଭଜୟାଣି ଭୁଟନାଳ ଭୋଲ କଲିମ ଦରୁଦିନ୍ଦାବେଟାରୁ ସେଣା কলে মন্দ বাইরে রোদিন্দা বেটার সে বোল কেতি পড়ে রাত বাইরে কেতো লুটো অ মোটের পড়ে রাত বাইরে কত লুটো অ বোল শালি পড়ে রাত বাইরে। फागू लो तो शाली पौ राय फागू लू टो क्या बात है देवीदत् जी आपने बहुत ही अच्छे से ये गीत जो है इसको निभाया है और सुनकर हमें यकीन है हमारे दर्शकों का भी आज का जो दिन है वो बन गया होगा और उन्होंने भी इसे खूब एंजॉय किया होगा और देखिए जिस तरह के आप गीत गाते हैं ना ये सुनकर एकदम थिरकने का मन नहीं करता है कि बस आप गाते रहे और हम नाचना शुरू कर दें और महफिल जो होती है जो मुजरा होता है उसमें भी अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई गीत गाता है और बाकी सब नृत्य करते हैं हाँ जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं और हिमाचल की लोक संस्कृति की बात करते हैं तो नाटी तो एक आ, ऐसी विधा हो गई है जो पूरे देश में ही मशहूर हो गई है बल्कि हाँ विदेश में भी इसका बोल वाला है सब जानते हैं कि नाटी है लेकिन जो हमारे लोकगीत है इसमें और भी अलग अलग विधाएं हैं उनके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपने कहा कि नाटी जो है हिंदुस्तान में ही नहीं हाँ जी। विदेश में भी मशहूर हो गई है जी। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा हमारे एक युवा कलाकार कुलदीप शर्मा जी जी उन्होंने नाटी को चलो हमने भी अपने देश के अंदर लगभग सभी स्टेटों में पहुंचाया, हाँ, पहुंचाया नृत्य किया नाटियां गाई लेकिन कुलदीप शर्मा जी ने विदेश तक जो है हमारी इस हिमाचल की कला को और संस्कृति को पहुंचाया जी, है तो जी, एक बहुत बड़ी बात है उन्होंने दुबई में भी कार्यक्रम किया था और उन्हें अमेरिका में तो, सॉरी इंग्लैंड में उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया गया था तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कुलदीप शर्मा जी हमारे ठेोग से है तो इसलिए बड़े गर्व की बात है हमारे लिए तो एक विदा है ढीली नाटी हमारी नाटियों में तो दो लाइनें मैं ढीली नाटी की आपको सुनाऊँगा बोलो <coughs> नीर <coughs> ढाको दे लुणवाए सोबनी नी दाइये लवाए

शुभ निदाई ए बे बेले ना आए बोल जियरी बात बे जियो दी आडी शुभ निदाई ए बे जियो दी आडी जियरी बात बे जियो दी आडी शुभ निदाई ए बे जियो दी आडी जी बहुत खूब ये आपने ढीली नाटी का हमें बता दिया जी और बहुत ही अच्छे से देखिए आप खुद भी थिरकने पे मजबूर हो गए साथ में नाटी गाते गाते आ, हमारा प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश इसकी जो सभ्यता संस्कृति और लोक संस्कृति की जो हम बात करते हैं ये गांव में ही बसती है गांव से ही शुरू होती है और जैसे आपने ख़ुद कहा कि आपका जो रुचि हुई लोक संगीत की ओर ये करियाले से हुई तो जो करियाला है वो अब अगर कोई हमारे जो युवा वर्ग है वो देखना चाहे या वो कुछ सीखना चाहे तो वो कहाँ देख सकते हैं मेले कुछ होते हैं आपके गांव में कोई खास तरह के मेले होते हैं जिनमें वो इस कला की विधा को सीख सकते हैं या देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है ये वो इसलिए कि हमारे गांव में एक पारंपरिक मेला हर वर्ष होता है इस मेले को एकादशी मेले के नाम से जाना जाता है जी। और ये मेला केवल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं।, नहीं अपितु इस मेले के पीछे शास्त्रों से युक्त धार्मिक ग्रंथों से युक्त परिपाटी जुड़ी है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस तिथि को देवता लोग जो है शयन कर करते हैं विष्णु भगवान शयन करते हैं तो सभी जो देवता है वो शयन कर देते हैं और उस दौरान देवताओं के शयन के दौरान कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं होता नहीं। ये जो मास चल रहा है हमारा कार्तिक मास जी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को आषाढ़ मास के सोए हुए देवता जाग जाते हैं और हमारे देश में हमारी परंपरा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार जितने भी धार्मिक कृत्य है विवाह है मुंडन है सारे संस्कार जो है धार्मिक कृत्य प्रारंभ हो जाते, जाते हैं, जाते हैं। तो इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है और हमारी पाड़ी भाषा में अभी थोड़ा शब्द अपभ्रंश हो गया इसको देवठानी एकादशी भी कहते हैं इसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं तो इस एकादशी से हमारे गांव में मेला शुरू हो जाता है और वो मेला पांच दिन चलता है पूर्णमासी के दिन वो मेला समाप्त हो जाता है एकादशी के नाम से ये मेला जाना जाता है तो यह मेला जो है प्राचीन समय से लेकर चला आ रहा है इस मेले में हम क्या करते हैं देव पूजा होती है चार रातों तक पांच प्रहर जो है चार प्रहर पूजा निरंतर चलती रहती है रात्रि में ये तो रात्रि का कार्यक्रम हुआ दिन को जो है हम अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखते हुए हम इसमें कुछ लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हजारों लोग इसमें आते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए हम कुछ इस तरह के इवेंट्स करते हैं ताकि महिलाएं भी अपना आनंद लें पुरुष भी अपना आनंद लें तो सबसे पहला तो हमारा ये रहता है जिस तरह इसी तर्ज पर जैसे कुल्लू में हमारा दशहरा होता है तुम न्यूज़ सुनते हैं वहां एक हजार महिलाओं ने समूह में माला नृत्य किया, किया जी, जी। तो वही चीज हमने वाँ वाँ बलग में भी की वहां हम जब उद्घाटन होता है जिस दिन जी। तो उस उद्घाटन में जो है हमारे वहाँ के स्थानीय जो हमारी रियासत है रतेश रियासत उस रतेश रियासत के राजा राणा कर्ण सिंह जी हर साल जी। उसका उद्घाटन करते हैं क्योंकि राजा और देवता भाई भाई है तो ये पारंपरिक है कि राणा साहब ही इसका उद्घाटन करेंगे जी। उसके बाद हम वो समूह माला नृत्य करते हैं जिसमें सभी महिलाएं और सभी पुरुष आनंद लेते हैं एक्सपोजर मिल गया सबको नहीं तो तो महिलाएं अभी तक घर तो के चूल्हे चौके से ही बाहर नहीं निकलती जी। थी जी। तो महिलाएं जो है अपने मौज मस्ती में मेला भी मनाया और नृत्य भी किया जी, उसके बाद हम महिलाओं के लिए रस्सा कसी का आयोजन करते हैं वो भी उनके मनोरंजन का साधन है और उनको इंसेंटिव भी मिल जाता है जो फर्स्ट आएगा महिला मंडल उनको हम इनाम देते हैं जी, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हमें एक और हमारी जो प्राचीन विलुप्त होने वाली जो संस्कृति थी ठोडा नृत्य जी ठोडा जो है अब एक बार दोबारा से रिवाइव हो गया है तो उस ठोडे को बढ़ावा देने के लिए हम ठोडे के टूर्नामेंट करवाते हैं उस मेले में उस मेले। इस बार भी हमने 24 टीमों को निमंत्रण भेजा है और वो 24 टीमें आएगी और वो टूर्नामेंट के रूप में इसका हम आयोजन करेंगे एक तो विश्व मेले हमारे जी जी विश्व मेले भी चलते हैं तो उसमें तो दो ही टीमें जाती है। और उसमें हम जैसे 20-20 शॉट एक लगाएगा एक खिलाड़ी 20 शॉट दूसरा खिलाड़ी लगाएगा फिर उसका रिजल्ट तैयार होगा इस तरह से हम इस प्राचीन विलुप्त संस्कृति को भी हम पुनर्जीवित करने के लिए थोड़ा भी उस मेले में हम क्या क्या बात है देवीदत्त जी तो दर्शकों अगर आप भी हमारी संस्कृति का हमारी सभ्यता का एक छोटी सी झलक देखना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है कार्तिक मास की एकादशी तिथि को आप बलक जा करके ये पूरी जो मेला है एक तेरह चौदह और पंद्रह नवंबर को ये मेला होता है। जी तो तेरह चौदह पंद्रह नवंबर को अभी तो समय है अभी जा ऐसे सकते हैं और देखिए देवीदत्त जी ने इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि उस मेले में क्या क्या होगा हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक अब उनकी उत्सुकता भी बढ़ गई होंगी और इस बार आपके मेले में लोगों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी ठीक <laughs> है जी जी आपने जैसे अभी बताया कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं और उसके साथ साथ ही अभी हमने आपकी पूरे जीवन की कथा सुन ली है कि आपने पूरे देश का भी भ्रमण किया है और भी जो गांव की संस्कृति है उसे भी संजो के रखा है तो ये प्रोफेशनल लाइफ और ये जो आपका शौकिया तौर पे जो आप करते हैं इसे किस तरह से आपने मेंटेन किया क्योंकि मुश्किल होता है जॉब के साथ भी ये सब कंटिन्यू करना तो हाँ, ये आपने किस तरह से किया ये बहुत कठिन काम है जो हमने निभाया लेकिन इसके पीछे जो सरकार है हमारी वो भारत सरकार हो या हिमाचल सरकार बहुत बड़ा योगदान है सरकार का जी वो इस तरह से अदरवाइज जब मैं जॉब करता था तो अब जब हम बॉम्बे गए थे तो हम 40 दिन तक बॉम्बे में रहे जी तो 40 दिन की छुट्टी मिलना तो असंभव था बिल्कुल तो इस तरह के इवेंट्स के लिए जब सरकार को लगा कि जो हमारे कलाकार हैं कुछ ऐसे कलाकार हैं जो इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते नहीं। तो उनके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाली गई एक स्पेशल कानून बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये नोटिफिकेशन बनाई और जब भी हम इंटर स्टेट जाते हैं या नेशनल इवेंट्स में जाते हैं बाहर दूसरी स्टेट में तो एक वर्ष में एक महीने की स्पेशल कैजुअल लीव सरकार द्वारा कलाकारों के लिए निर्धारित की गई है बहुत बड़ी बात है सरकार की तो हम जो है फिर वहां से भाषा विभाग से ही हमारे हेड को लेटर आ जाएगा कि इन सच सच इवेंट इज बी बी टू दैट पर्टिकुलर प्लेस तो इनको जो है स्पेशल लीव कैज लीव दी जाए, दी जाए। तो इस तरह से तब जा कर के हमने जो है ये सामंजस्य बैठाया अपना शौक भी पूरा किया और सरकारी नौकरी भी की मेरी तो नौकरी भी बहुत लंबी रही जी। क्योंकि उस वक्त समय था उन्नीस तो 20 साल में नौकरी में लग गया हूँ तो सरकारी सेवा की और मैं अभी 2021 में लेक्चर इकोनॉमिक्स के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ क्या बात है मतलब आपके जीवन के ये दो पहलू तो एकदम ही अलग अलग है खुद से कहा इकोनॉमिक्स के लेक्चरर और कहा गीत संगीत के आ, हम महारथी आपको कह सकते हैं है देखिए इसके साथ साथ जो आपने कहा कि सरकार ने आपकी सहायता की लेकिन इसके साथ साथ खुद का जो जुनून है और जो शौक़ है वो होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है नहीं कर पा रहे हैं जी मैनेज है। नहीं हो पा रहा है लेकिन अगर शौक हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है हमारे दर्शक इससे ये सीख ले सकते हैं जी देखिए देविदत्त जी बहुत समय हो गया हम बातें ही किए जा रहे हैं हमारे दर्शक आपसे एक गीत की जरूर उम्मीद कर रहे होंगे तो आपसे एक गीत सुन लेते हैं हा <coughs> घिवे बोरे ग्योड़े नुप धैण तेलोरे बरणे शिशिरे तेलोरे बरण शिश धैण तेलोरे भर्ण शिशिरे भेठे हांडे बे नुपुण ए जाणी बोलो साईं बोरे मिसरे जाणी बोलो साहिबो रे मिस दे जाणी बोलो साहिबो रे मिसरे बोलो भेठे हांडे बेंडे नुपुण उठड़ूू मेक रे द उठड़ूू मैंदड़ो मेक रे एक जुनून मेरे अंदर और है जी। मैं नाचे बगैर नहीं रह सकता ये मेरे ब्लड में है जी जब भी कहीं हमारे फंक्शन होते हैं हाँ। तो कई ओकेजन जैसे रहते हैं जहां नहीं नाच सकते तो फिर मुझे जब ढोल बज गया तो मुझे बस बाजु में पकड़ लेनी पड़ती है अदरवाइज तो ये मेरे ब्लड में है जी तो इसलिए मैं नाचे बगैर नहीं रह सकता थोड़ा सा एक दो लाइन और सुना बिल्कुल बिल्कुल બોલો ભીટી આંડે બેંડે નુપ ધેણિયે દેંદિયે ઉઠડો મે કરે દેંદિયે ઉઠડો મે કહેણિયે દેંદિયે ઉઠડો મે કરે બોદરે ઠીક રે હમે ધેણિયે तेरे બોલો સાજનો રે કરે तेरे બોલો સાજનો રે કહેણિયે तेरे બોલો સાજનો રે કરે उँची बोलो डाफिरा छोडे बेसणा लाँबे बोलो तँगुरा फेरा रे लाबे बोलो तँगुरा फेरा धेणे यहाँ बोलो तँगुरा फेरा रे लोकु बोलो सथरा छोडे जप जिउ बोलो जोडोला मेरा रे जी बोलो जोडोला मेरा धेणे एउ बोलो जोडोला मेरा रे क्या बात है देवदत्त जी क्या बात है आपने देखिए पूरा माहौल बना दिया है अब तो सिर्फ गीत गा के ही नहीं साथ में जो आपने कहा कि आप खुद को रोक नहीं पाते हैं आप नाच ही जाते हैं देखिए है। तो ये भी एक कलाकार का अपनी कला के प्रति प्रेम है कि आप इतना प्रेम करते हैं आप खुद को नहीं रोक पाते हैं अपने ही गीतों पर भी आ, खो जाना कला में जो है ना खो जाना ये भावनात्मक आवेग है बिल्कुल गीत संगीत का आनंद तभी है अगर पूरी तरह से खो जाए बिल, बिल्कुल और देखिए हमारे दर्शक भी इसे देखकर अब पूरी तरह से इसमें खो गए होंगे देखिए देविदत्त जी किसी भी इंसान को अगर सफल होना है आगे अपने जीवन में बढ़ना है परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है तो आपके जीवन में आपके परिवार का सहयोग जो ये आपका पैशन है जो जुनून है इसके प्रति कैसा रहा पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे परिवार में या खानदान में जो हेरिडिटी है हमारी बाप दादे परदादे कोई भी व्यक्ति गायन या नृत्य से जुड़ा नहीं रहा जी ठीक है जी जी और एक दूसरा वो रहता है हमारा कुल नानके का कुल उसमें भी कोई कलाकार नहीं था जी। लेकिन मुझे सरस्वती माँ की ऐसी देन हुई ऐसी मेरे ऊपर कृपा हुई कि मेरे अंदर ये कला आ गई आई तो हम तो ये कह सकते हैं कि इस ये तो हम तो किसी एक बड़े समुद्र के किनारे थोड़े कंकल चुन रहे हैं क्योंकि ये तो अथाह सागर है सीखा हमने नहीं फॉर्मली इनफॉर्मली सीखा तो बड़ी भारी देन रही माँ सरस्वती की उसके बाद ऐसा नहीं था कि कलाकार नहीं थे मेरे पिताजी कलाकार नहीं थे माँ कलाकार नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि ठीक है तेरे को शौक है तो ठीक है अपने शौक़ पूरे किया करो तो उसके बाद एक और चीज़ रहती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई कामयाबी होती है तो नो डाउट कि उसमें सबसे बड़ा रोल माँ का उसके बाद पिताजी का और तीसरा गुरु का इन तीन लोगों के जो योगदान है उसको तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं, नहीं सकते, सकते। गॉड तो सुप्रीम पावर है जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक पत्ता नहीं हिलता लेकिन एक और भी कहावत है कि किसी भी पुरुष की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई महिला जरूर होती है बिल्कुल। तो माँ के बाद अगर कोई महिला है तो वो मेरी पत्नी है जी। जिसने मुझे न केवल गीत संगीत के लिए प्रेरित किया बल्कि मेरी जो पढ़ाई है काफी ऐसे विपरीत परिस्थितियां रही जिसकी वजह से मैं रेगुलर भी नहीं पढ़ पाया कॉलेज गया जरूर लेकिन बड़े कठिन संकट में तो मेरी पढ़ाई सारी जो है वो प्राइवेट है मैंने बी ए प्राइवेट किया मैंने एम ए प्राइवेट किया मैंने बी एड प्राइवेट किया तो जब प्राइवेट पढ़ाई करता रहा तो प्रमोशने भी होती रही तो उस पढ़ाई में भी मुझे मेरी बीबी ने बड़ा भारी प्रमोट किया हालांकि मेरी मैरिज अर्ली मैरिज हो गई थी मैरिज के बाद ही मैंने ये सारे जो डिग्रीज बता रहा हूँ मैं ये जी पढ़ाई मैंने मैरिज के बाद की अदरवाइज ये चीज़ें थोड़ा टफ होती है मैनेज करना अब बच्चे हो जाते हैं तो या वाइफ ही वही ना कॉपरेट करे तो उसने मुझे हर क्षेत्र में पूरा सपोर्ट दिया जी। पढ़ाई में भी दिया कि गान गीत संगीत में एक और आज मैं बताना चाहूँगा आज जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था जी। तो थोड़ी सी हर आदमी में कोई ना कोई वो ड्रॉबैक रहता है तो मेरा ड्रॉबैक ये था कि मैं किसी भी काम को थोड़ा तो जल्दी में करना चाहता हूँ और अपने रोकते हुए भी जल्दी जल्दबाजी थोड़ी है तो वाइफ ने मुझे आते आते कहा कूल cool होकर प्रोग्राम दें आप अब वहाँ जल्दबाजी ना करें जब आपको तो आप जी थोड़ा सोच के और, और देखिए आपने उनकी बात मानी भी और बहुत ही खूबसूरत हमारा कार्यक्रम का सफर रहा है तो जितना कुछ हो पाया मैडम जी देवीदत्त जी देखिए आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं जो अब इस फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश जरूर दें पहला संदेश तो ये कि जब भी हम किसी काम को करें तो वो दिल से करें ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव है जी। दिल से करें और जनून जो आपने भी कहा था कि जुनून तो आदमी के अंदर होना चाहिए बहुत तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए खैर जहां तक तो बात गीत संगीत की है ये मैंने पहले भी कहा कि ये सागर है जी। इसका कोई भी अंत नहीं है इसको अगर हम शॉर्टकट में लेना चाहे देर इज नो शॉर्टकट फॉर म्यूजिक एट लीस्ट जी तो इसके लिए तो आप दिल जान से समर्पित रहें और संगीत जो है जीवन है मैं तो ये कहूंगा अपने युवा पीढ़ी को कि जहां आप नशे की तरफ मुड़ रहे हैं इस तरफ आओ संगीत के बिना जीवन शून्य है बिल्कुल और, और अगर संगीत है जीवन में तो जीवन धन्य है बिल्कुल बिल्कुल क्या खूबसूरत आपने बात कही है कि संगीत है जीवन में तो जीवन धन्य है, जीवन धन्य है। और देखिए आज आप हमारे स्टूडियोज में आए हमसे इतनी अच्छी रोचक बातें की और साथ ही हमें इतने अच्छे अच्छे गीत भी सुनाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे जाते जाते भी आपसे एक गीत तो हम जरूर सुनेंगे हाँ। रेड पके रोइल बि रिचिड़ो से बीनीअ चिड़ो से <coughs> बुल तां लाॻा बीना बे पुंदरी दे बीन आधानटीअ पुंदरी दे ओ। বলসি রে লাগে শিরি তবে পেটো দে শুড়ো বিনা আবেদান টিয়ে পেটো দে শুড়ো বল ভাইয়া পুছে পরদীপ আছো ঠেরে কুড়ো বিনা আবেদান টিয়ে बोलो सामने दिशो सड़ी की दो बाबू डिप नरी कोठी बिने आ बेधाने टी ये डिप नरी